आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो जाती है इस बात को लेकर कि बच्चे को दस्त लग गई है, लेकिन कितनी बार पॉटी आना बिल्कुल नॉर्मल है और कब आपको घबराने की आवश्यकता है, सबके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पर बहुत बहुत स्वागत है। नॉर्मली 7 दिन में एक बार पॉटी आना या फिर 1 दिन में 7 बार पॉटी आना को हम लोग नॉर्मल कंसिडर करते हैं, लेकिन 3 से 4 बार अगर आपके बच्चे को दस्त लग जाती है, पॉटी आ जाता है, तो क्या हम इसको दस्त समझेंगे, डायरिया समझेंगे? तो देखिए, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चा किस तरह की पॉटी कर रहा है। अगर बिल्कुल पॉटी नॉर्मल है, जो नॉर्मली वो करता है, अगर वो 7 बार भी करता है तो वो घबराने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि बच्चे की हाव भाव बिल्कुल सही है, बच्चा नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहा है, नॉर्मली तरह से फीड कर रहा है। तो अगर वो 7 बार भी पॉटी करता है तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मे बी कई बार क्या होता है कि बच्चे ग्रीन पॉटी कर देते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि बच्चों की जो पॉटी है, अगर वो बच्चे को ज़्यादा ही, अगर आपने तेल मिर्च मसाले वाली चीज़ें खा ली, आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो उस केस में भी बच्चे को कई बार ज़्यादा पॉटियाँ आ जाती हैं, या फिर कई बार टीदिंग की प्रॉब्लम चल रही होती है तो उस समय में भी बच्चे को झाग वाली पॉटी या फिर हल्की फुल्की अगर डिस्टर्बेंस उस वजह से भी दिखाई देती है। लेकिन ऐसा होता है कि कई बार 3 से 4 बार भी दस्त आने पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे दस्त जो कि बिल्कुल पतले हैं, पानी के जैसे आपको पतला पतला अगर दस्त दिखाई दे रहा है तो उस टाइम पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। उसके आपको 7 बार का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि 7 बार होगा तभी हम इस टाइम पर एक्शन लेंगे। अगर 3 से 4 बार भी बच्चा पॉटी कर देता है जो कि बिल्कुल पानी के जैसा है, तो इसका मतलब कि बच्चे को डायरिया या फिर दस्त लग चुके हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करने की आवश्यकता है? तो देखिए, दस्त जो होती है, दस्त को तुरंत रोकने का आपको इलाज नहीं करना चाहिए कि तुरंत से तुरंत हमें रोक देना है। आपको बेसिकली इस बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि दस्त जो है नॉर्मल प्रक्रिया है, वो आपके शरीर से गंदगी रिलीज कर रही है, लेकिन अगर ये एक्सेसिव तौर पे हो रही है तो उसको रोकना ज़रूरी है। लेकिन उसके पहले, क्योर से पहले, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे की ताकत इंटैक्ट रहे। बच्चे को अगर प्रॉपर मात्रा में ताकत नहीं मिलेगी, जैसे कि बच्चा अगर दूध रिफ्यूज़ कर रहा है, बच्चा अच्छे से मिल्क नहीं पी रहा है, तो ऐसे केस में आप अपने पेडियाट्रिशियन से मिलें, क्योंकि अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है और दूध भी नहीं पीना चाह रहा है तो इस टाइम पे आपको घर पे बैठने की भूल नहीं करनी है, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से ज़रूर विजिट करना है। लेकिन अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग दे रहा है, बहुत अच्छी तरह से अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, भले दस्त हो भी रहे हैं तो क्या हुआ, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराते जाना है। एक्सक्लूसिवली आपको ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप कराइएगा तो बच्चा तुरंत से हील हो सकता है, क्योंकि माँ के दूध में ऐसी ताकत होती है जिससे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिलती हैं जो बीमारियों से लड़ने के लिए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है और पानी का इंटेक आपको पता है कि पानी का जो लेवल है वो धीरे 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 पॉटी के रूप में वो बाहर निकलता जा रहा है, क्योंकि जैसे बच्चा एक नॉर्मल स्वस्थ बच्चा है, हंस रहा है, खेल रहा है, लेकिन अगर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार 8 बार अगर पॉटी होती जाएगी, आप खुद से इमेजिन कर लीजिए कि अगर आपको लूज मोशन होती है तो आपको कितनी कमजोरी फील होती है। तो बच्चे की भी ताकत को इंटैक्ट रखने के लिए उसकी वाटर का जो इंटेक है उसको बेहतर बनाने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बच्चे की जो जान जाती है, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे डायरिया की वजह से उनकी, मतलब वो फैटल हो गया उनके लिए, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि बच्चे के शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहा ही नहीं, बच्चा डिहाइड्रेशन से भी उनको खतरा हो सकता है। तो बेसिकली आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के अंदर ताकत और वाटर का इंटेक ज़रूर अच्छा बना रहे। आप ब्रेस्ट फीडिंग तो कराइए ही कराइए, साथ ही साथ आपको बच्चे को ORS का घोल भी ज़रूर देना चाहिए। आप ORS का घोल कैसे बना सकते हैं, जैसे 1 कप पानी आपको एकदम बिल्कुल स्वच्छ लेना है और उसमें 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच आपको चीनी मिलाना है। अच्छी तरह से उसका घोल बना लीजिए और उसको एकदम आपको चम्मच चम्मच से कर करके आपको बच्चे को टाइम टू टाइम उसको पिलाना है, जिससे कि बच्चे के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा अधिक बनी रहेगी, क्योंकि शरीर में पानी के साथ साथ चीनी और नमक भी अगर जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट अगर इंटैक्ट रहेंगे तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके बच्चे को दस्त लगी है तो बेसिकली आपको वाटर के इंटेक का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अगर बच्चा डिहाइड्रेटेड हो गया तो उसका फेस डल हो जाएगा, उसकी रौनक खत्म हो जाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा वो डल फील करेगा, बीमार फील करेगा, उसकी पूरे जो शरीर में आपको सुखापन रुखापन दिखाई देगा, होंठों के आसपास भी आपको ड्राइनेस महसूस होगी, इसका मतलब कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रही है। और इस टाइम पे आपको ORS का घोल या फिर आप अगर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो उससे बेहतर इलाज और कुछ भी नहीं हो सकता है।
लेकिन अगर 3 दिन के बाद भी अगर आपके बच्चे को लगातार दस्त हो रही है तो उस टाइम पे घर पे बैठने की भूल आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपको पानी का इंटेक बढ़ाना है लेकिन उसके साथ ही साथ बच्चे की हाव भाव को भी नोटिस करें। अगर बच्चे को काफ़ी ज़्यादा डलनेस लग रही है, बच्चा काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा है, इनफैक्ट उसके पॉटी में उसके दस्त में अगर ब्लीडिंग भी हो रही है तो इमिडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। लेकिन बेसिकली दवाइयों के साथ ही साथ आपको कुछ और भी चीज़ें जो कि फूड आइटम में भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, अगर आपका 6 महीने से बच्चा ऊपर है तो उसको आप ताजे फलों का रस भी दे सकते हैं जिससे कि उसके शरीर में पानी का इंटेक अच्छा बना रहे, क्योंकि दवाइयां अपना काम करेंगी लेकिन बेसिकली वाटर के इंटेक को अच्छा बना करके रखना ही आपकी प्राइम मोटो होनी चाहिए। ताजे फलों का रस आप दे सकते हैं, आप बच्चे को नॉर्मली आप बच्चे को फ्रूट की जो प्यूरी होती है वो भी आप बच्चे को खिला सकते हैं, जो कि नॉर्मली सेब की या केले की जो प्यूरी होती है वो इस टाइम पे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। और अगर आपका बच्चा जैसे कि कुछ और भी चीज़ें खा सकता है, जैसे कि थोड़ा सा और बड़ा बच्चा है तो उसको आप खिचड़ी दलिया वगैरह भी खिला सकते हैं अच्छी तरह से मैश करके, फलों के जो जूस होते हैं उसको भी पिला सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करिए कि जो आपके बाहर के जो पैकेट वाले जो जूसेस होते हैं उनका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें हाई प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि आपके बच्चे के पेट को अपसेट कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रेस कर सकते हैं जिससे कि उसको और परेशानियां हो जाएंगी, और इनफैक्ट उसमें शुगर की भी मात्रा काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो आप बेसिकली ये ध्यान रखें कि आप घर पे ताजे फलों का रस निकाल के बच्चे को आप पिला रहे हैं, खिचड़ी खिला रहे हैं, दलिया खिला रहे हैं जिससे कि आप बच्चा आपका 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर 3 दिन से ज़्यादा अगर आपको परेशानी दिख रही है और इस तरह के जो खतरे वाले सिम्टम दिखाई दे रहे हैं जैसे कि ब्लीडिंग की मैंने बात बोली या बच्चा बहुत ज़्यादा डल हो रहा है तो उस टाइम पे घर पे बैठने की भूल बिल्कुल नहीं करनी है, अपने नियरेस्ट जो पेडियाट्रिशियन है उनसे ज़रूर विजिट करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको कभी भी आप अपने बच्चे की साफ़ सफाई में कोई भी कमी ना छोड़ें, चाहे उसको कितनी भी बार भी दस्त हो रहे हैं, दस्त जब उसका आप साफ़ कर लीजिएगा, पॉटी साफ़ करने के बाद अच्छी तरह से हाथों को क्लीन करें, नाखूनों को भी अच्छी तरह से ट्रिम करें, तभी जाके आप बच्चे को फीड कराएं, या फिर जब आप बच्चे के लिए मिल्क बना रहे हों, फॉर्मूला फीडिंग करा रहे हों, या जब भी अगर बच्चे को मिल्क पिला रहे हों तो हाइजीन को भी प्रॉपर मात्रा में मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये साफ़ सफाई वाली चीज़ है, जितनी ज़्यादा आप गंदगियाँ होंगी, एक्सपोज होगा बच्चा उतना ज़्यादा उसको बीमारियाँ और लगेंगी। तो बेसिकली इन सारी बातों का आपको ध्यान ज़रूर रखना है, और जैसे मैंने आपको बताया 3 दिन से अधिक अगर ये सारी चीज़ें रहती हैं तो इमिडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई सारी जानकारियाँ अच्छी लगी, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस बाइबल बेबी केयर।